hi everyone so this is the end of chapter human health and disease and drug and abuse so today's topic is prevention and control so this is the last topic of this chapter so there is a saying saying or we can say an adage एडेज का मतलब होता है सही एक तरह से ये वर्ड यूज होता है क्लासिकल प्रोवर्ब के लिए सो प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो उसके अलावा दिस इज अ सेइंग उसके अलावा एक और ट्रू फैक्ट ये है कि टेकिंग ड्रग और एल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी सो इसका मतलब ये है कि एक ट्रू फैक्ट ये भी है कि जो ड्रग और एल्कोहल की हैबिट है वो पड़ती है एट ए यंग एज और वीकेंड से अडोलसो so, उसके बाद हमें अगर प्रिवेंट करना है कि जो यंग वंस है और हमारे अराउंड जो अडल्ट हैं वो ड्रग और एल्कोहल को लेके एडिक्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है सिचुएशंस को वो सिचुएशंस जो पुश करती है एक अडल्ट को एक यंग चाइल्ड को कि वो ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम करे सो प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स में पेरेंट्स एंड टीचर्स एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं क्योंकि स्कूल में बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो दो जगह बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डेट इज़ इन स्कूल और एट होम सो अगर पेरेंट्स एंड टीचर्स और वी कैन से स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्जर्व करें आस उनके जो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिस करें कि उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है उससे हम नोटिस कर सकते हैं इफ कंज्यूमिंग ड्रग और एल्कोहल सो प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले आता है अवॉइड अंडू पीयर प्रेशर सो हर एक चाइल्ड का उसकी ओन चॉइस होती है हिज और हर ओन चॉइस उसके अलावा उसकी एक खुद की पर्सनैलिटी होती है जो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन सो हर एक पर्सन की एक पर्सनैलिटी होती है जो औरों से डिफरेंट होती है सो so, एक चाइल्ड की चॉइस और उसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सभी डिफरेंट हैं और उनको नर्चर करना चाहिए मतलब उसकी जो चॉइस या पर्सनैलिटी है उसको सपोर्ट करना चाहिए उसके अलावा क्या होगा एक चाइल्ड को कभी भी वो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलना चाहिए जो उसकी लिमिट्स के बियॉन्ड है फॉर इट कैन बी इन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ एक पर्सन जिसका फोर्टे मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टडी है अगर वो स्पोर्ट्स में वीक है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए ऐसे ही वाइस वर्सा अगर कोई पर्सन स्पोर्ट में अच्छा है स्टडी में वीक है तो उनके ऊपर पेरेंट्स और जो अदर रिलेटिव्स हैं और वी कैन से इवन फ्रेंड्स उनको भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए उनको सपोर्ट करना चाहिए सो इट इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर सेकेंड आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग सो so, एजुकेट करें और काउंसलिंग करें उस पर्सन की जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर रहा है स्ट्रेस फेस कर रहा है और डिसअपॉइंटमेंट्स एक पर्सन की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आती है ठीक है और उसे सिखाना चाहिए फेलियर फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ विदाउट फेलियर हमें जो है विनर uh, जो हम किसी सिचुएशन में विन करते हैं उसका रियलाइजेशन नहीं होएगा। सो फेलियर इज लाइक वी कैन से इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इट टीचर्स लेसन्स। सो एक पर्सन को सपोर्ट करे उसे फेलियर एक्सेप्ट करना सिखाए ताकि वो आगे से और ट्राई करे और उसके बाद आता है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीएर्स सो अगर एक पर्सन अंडर प्रेशर है और वो ड्रग और एल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो अगर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन मिलती है तो उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो उसे सपोर्ट करें फ्रेंड्स हैं रिलेटिव हैं उस पर्सन को सपोर्ट करें ताकि वो अडिक्ट ना बने और एक तरह से ड्रग्स एंड अब्यूज से खुद को फ्री uh, कर सके सो so, उसके बाद आता है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस हमने डेंजर साइंस के बारे में पढ़ा था ऊपर uh, कि जो है एकेडमिक्स है उसमें वो जो पर्सन है वो वॉयलेंट बिहेव करता है रेकलेस बिहेव करता है तो दीज वर द डेंजर साइंस सो फ्रेंड अगर कोई फ्रेंड नोटिस कर लेता है कि जो उसका फ्रेंड है वो ड्रग और एल्कोहल के सिम्टम्स शो कर रहा है डेंजर साइंस शो कर रहा है सो so फर्स्टली उसे पेरेंट्स और टीचर को बता देना चाहिए ये उसके फ्रेंड के लिए ही अच्छा है क्योंकि वो हेल्प कर पाएंगे सो so, उसके बाद आता है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प सो एक सर्टेन पॉइंट तक पर्सनल लाइफ में पर्सनली सॉर्ट आउट किया जा सकता है बट एक टाइम आता है जब वो पर्सन एडिक्ट हो चुका होता है या वो खुद को रोक नहीं पाता ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने से सो तो उस टाइम में प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए रिहाब सेंटर्स हिंदी में से बोलते हैं नशा मुक्त के अंदर मतलब जो पर्सन एडिक्ट हो चुके होते हैं उनको क्योर किया जाता है यहाँ पे उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट मेडिकल हेल्प में साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट जो हेल्प करते हैं कि एक पर्सन के माइंड के अंदर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन चुके हैं ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने के उनको ट्रीट किया जा सके सो so, जो साइकोलॉजिस्ट हैं साइकाइट्रिस्ट हैं ये डॉक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं एक पर्सन की जो माइंड में चेन बन चुकी है कि ये ड्रग और एल्कोहल यूज़ के बिना उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी उसको ब्रेक करने में सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ सो डेट ऑल फॉर टुडे थैंक यू